आज की नजर कौन से स्टॉक्स में है, कहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकर आए हैं आपके लिए ट्रेड का चौका। चलिए ट्रेड के चौके में राहुल और वैशाली दोनों से ही समझते हैं कहां पे है उनकी नजर। राहुल, सबसे पहले आपसे, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? सबसे पहले आज सबसे ज्यादा चर्चित जो स्टॉक है वो पेटीएम का है, और पेटीएम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इसलिए क्योंकि 700 और 740 के बीच में काफी लंबे से कंसोलिडेशन चल रही थी, जिसका हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, और वॉलिटिलिटी आप कहने स्टॉक के अंदर जो बनी हुई थी उसके चलते एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न हमको देखने को मिला है, जिसका हमें ब्रेकआउट आज मिला है। और मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है ये अगर 700 रुपए के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे इसका जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, और कहीं ना कहीं अपसाइड मुझे लगता है 900-910 रुपए तक जाने का इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। एक गैप अप के बाद में जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे हमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स आते हुए देखे, करीबन 735-740 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी आपको तेजी और कंटिन्यूड होते दिखेगी पेटीएम के अंदर, और मेरा मानना है कि आप अगर इन मौजूदा स्तर पे भी अगर लेते हैं तो आपको यहाँ से ज्यादा बड़ा डाउनफॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से करीबन 60 रुपए के आसपास नीचे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो टारगेट निकल के आया करीबन 200 रुपए हायर है, तो मेरा मानना है कि आप पेटीएम में डेफिनेटली यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं मौजूदा स्तर पे। सेकेंड सिलेक्शन है गुजरात पीपा पावर लिमिटेड, GPPL के नाम से जिसको हम जानते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड फॉर्म है, 114 रुपए के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, वॉल्यूम्स में भी हम एक सर्ज देख रहे हैं, और 107 रुपए से जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली इस काउंटर के अंदर मुझे लगता है वो मोमेंटम आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, इसलिए 120 रुपए के लक्ष्य के लिए आप GPPL में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 112। तो गुजरात पीपाभाव और दूसरा स्टॉक इनका था पेटीएम, जिसको बोफा ने भी अपग्रेड किया है, 885 रुपए का टारगेट बोफा की तरफ से भी पेटीएम को दिया गया है। वैशाली जी, आपकी दो टॉपिक कौन सी होंगे? तो मैं ध्यान दूंगी फ्रंटलाइन पे, भारत फोर्ज मुझे ठीक लग रहा है, काफी दिन से, दो दिन से मोमेंटम अच्छे से पिकअप हो रहा है, वॉल्यूम ऑल्सो पिकअप हो रहा है, सो 828 के भाव पे है, 810 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा ट्रेडिंग टारगेट 850। और दूसरा मैं सजेस्ट करूंगी, मुझे लॉरस लैब भी सही लग रहा है, लॉरस लैब ऑल्सो इज इन अ ट्रेंडिंग मोड और 347 के लेवल पे अभी चल रहा है, सो आई वुड से दैट 330 के स्टॉप लॉस के साथ 380 का एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा, तो ये दो स्टॉक्स में मेरा बुलिश व्यू रहेगा। और कैश की अगर बात करें तो आई थिंक कैश में एक पिरामल फार्मा, सुबह पे हम देखे थे कि वॉल्यूम पिकअप हो रहा था, मोमेंटम भी एक दोबारा पिकअप हो रहा है, सो आई थिंक इट्स रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, और 83 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 100।